हेलो एवरीवन, मैं हूं जेसन रवि, सत्य और सिनेमा की आवाज और समरी ऑफ सिनेमा में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए नेटफ्लिक्स की नई हिंदी सीरीज क्लास का रिव्यू करने वाले हैं। ये शो 3 फरवरी को नेटफ्लिक्स में रिलीज हुआ है। क्लास एक ऑफिशियल अडेप्टेशन है नेटफ्लिक्स के स्पेनिश शो इलीट का। इलीट नेटफ्लिक्स इंटरनेशनल पर वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर और सक्सेसफुल शोज है। उसके अभी तक 6 सीजन आ चुके हैं और 7th सीजन की शूटिंग चल रही है। इस सीरीज में हम देखते हैं हैम्पटन स्कूल को, जो कि दिल्ली का सबसे महंगा और बड़ा स्कूल है। उस स्कूल के हम सारे अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलादों को देखते हैं। हैम्पटन इंटरनेशनल, दिल्ली का सबसे महंगा, सबसे टॉप स्कूल, अजीब से परिवारों के बिगड़े बच्चे, मैंने जिंदगी में ऐसा स्कूल नहीं देखा था। उसी स्कूल में गवर्नमेंट स्कूल के 3 बच्चों को, धीरज, बल्ली और सबा को स्कॉलरशिप से एडमिशन मिलता है और यहाँ से उनकी लाइफ अपसाइड डाउन हो जाती है, जिसमें एक अमीर घर की लड़की के कत्ल के इल्जाम में ये तीनों फंस जाते हैं। पर क्या इन्होंने कत्ल किया है, इस पर फ्लैशबैक में चलती है इस शो की कहानी, जो कि काफी इंटरेस्टिंग तरीके से बनाई गई है। ये शो की शुरुआत होती है एक मर्डर के साथ। पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाती है, हर स्टूडेंट एक दूसरे पे एलिगेशंस डालना शुरू कर देते हैं और कुछ कैरेक्टर्स अपने पर्सनल इश्यूज को भी इस मर्डर में घसीटते हैं। सब लोग एक दूसरे को लपेटने में लगे हुए। किसका मर्डर हुआ है, किसने किया है और क्यों, ये देखने के लिए आपको शो देखना होगा नेटफ्लिक्स पर। सीरीज को डायरेक्ट किया है आशिम आलूवालिया ने, जिन्होंने पहले भी मिस लवली और डैडी जैसी अच्छी फिल्में बनाई हैं। उन्होंने ये स्पेनिश सीरीज को बहुत ही अच्छे तरीके से अडेप्ट किया है इंडियन कंटेक्स्ट के हिसाब से, इंडियन ऑडियंस के लिए। ये शो हमको सोसाइटी में होने वाले क्लास डिवाइड को दिखाता है और दोनों क्लासों की अच्छी और बुरी साइड भी दिखाता है। सिर्फ अमीर गरीब के सेपरेशन तक ही ये कहानी को नहीं रखा गया है, पर जातिवाद और कम्युनलिज्म को भी इसमें पिरोया गया है। ग्रेट जॉब। ये सीरीज को प्रोड्यूस किया है सुकेश मोटवानी, मौतिक तौलिया और पर्सिस सिंगापुरिया ने। हम आपको आगाह कर दें कि ये शो हाई स्कूल टीनेज ड्रामा तो जरूर है, लेकिन बच्चों के लिए बिल्कुल नहीं है। ये शो बेयर वायर है, यानी छुपी हकीकत है, जिसमें गाली गलौज सेक्स खुलकर है। शो की हाईलाइट है अंजलि सिवारमन एज सुहानी, जो यंग ऐश्वर्या जैसी भी दिखती हैं। जिस तरीके से मारिया पेड्राजा ने मरीना का कैरेक्टर प्ले किया था इलीट में, हमको लगा नहीं था कि कोई भी वो सेम मैजिक रिक्रिएट कर पाएगा, पर अंजलि सिवारमन ने हमको गलत साबित कर दिया। उनके अलावा पीयूष खत्री ने एज धीरज, आयशा कैंग ने एज यशिका और सियावाल सिंह ने एज बल्ली भी कड़क परफॉर्मेंस दिया है। कास्ट रिलेटिवली न्यू होने के बावजूद सब एक्टर्स हम पर अपनी गहरी छाप छोड़ने में सफल होते हैं, इसलिए क्रेडिट अच्छे डायलॉग राइटर्स को भी दिया जाएगा। ये शो बहुत ही खूबसूरत तरीके से शूट किया गया है, अमेजिंग कैमरा वर्क है, बैकग्राउंड म्यूजिक अमेजिंग है। दिल्ली का जो रिच कलरफुल फ्लेवर है वो आपको स्क्रीन में देखने को मिलेगा और विजुअल्स को बहुत ही अच्छी तरीके से कॉम्प्लीमेंट किया है इंद्रजीत शर्मा एके टबी के स्कोर ने। ये साफ है कि शो के क्रिएटर्स ने वाकई मेहनत से ये स्टोरी को इंडियनाइज किया है। डाउनसाइड में हमारे इंडियन व्यूअर्स में से बहुत कम लोग ये शो के अमीर कैरेक्टर्स और उनके बिहेवियर से रिलेट कर पाएंगे, मगर फिर भी हमें लगता है चांसेस है कि ये शो वर्ड ऑफ माउथ से पकड़ेगा। सो वेल फ्रेंड्स, ये था नेटफ्लिक्स पे नई सीरीज क्लास का रिव्यू आपके लिए। कोई थॉट्स हो तो कमेंट्स में बताना। अगर लाइक, सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल दबाई है तो गॉड ब्लेस यू, और अगर नहीं दबाया तो प्लीज दबा दीजिए और हमारे एफर्ट्स को सपोर्ट और इनकरेज कीजिए। रिव्यू को हाई स्कूल ड्रामा देखने वाले फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना। फिलहाल के लिए मैं जेसन रवि विदा लेता हूँ। थैंक यू, शुक्रिया और जय हिंद।